में रोचकता बनी है इस बात का ध्यान रखते हुए और क्या अपार भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक गीत दे रही हूँ। हालांकि एक गीत मैं जब यहाँ पर आई तो मुझसे कई लोगों ने कहा इसको सुना दीजिएगा, जिन्होंने सुना वो सुन ले और जिन्होंने नहीं सुना मेरा विश्वास है आप जब सुनेंगे तो मेरा ये गीत याद रखेंगे। ये बात सुनिए, गीत को सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने ये गीत गाया कैसे, ऐसा हो नहीं सकता के कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, गीत कह रहा है उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है, तो रूठे रब को मनाना आसान, मेरे इस गीत को सुनिएगा आपके हृदय को अच्छा लगेगा और खास तौर से हमारी माताएं बहनें जो सुन रही हैं आप भी सुनिए। फिल्मी गीत कह रहा रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। उनके गीत में कुछ काम आसान है कुछ काम मुश्किल है और कीर्तन में भी अजीब सोच रखते हैं लिखने वाले। और एक हमारे आदित्य भैया ने इस गीत को लिखा है जो हमारे गुरुवर दादा हरि किशन जी के बड़े सुपुत्र हैं। अब हमारी तरफ चूंकि ये रचनाकार हैं, रचनाकार जो लिख कर देता है हम लोग वही प्रयास करते हैं। मुकेश मधुल जी गीत को बड़े गौर से सुनिएगा और इसको निपटाइएगा नहीं प्रयास करिएगा। अब देखिए मेरे गीत में क्या आसान है और क्या मुश्किल है, जब आप सुनेंगे तो आपके दिल से निकलेगा कि सच में ये आसान है और ये मुश्किल है। देखिए क्या गर्भ में माने राधे भाई साहब बोला तबेस सुनिए। गर्भ में माने 9 महीने हैं लाल को अपने धारा, लाल को अपने धारा माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, धूप छांव से उसको बचाती है, सुख दुख सहती है, गीले में सो जाती है, सूखे में सुलाती है और अपने ही शरीर के खून से जो दूध निकलता है वो पिलाती है। लेकिन आजकल आजकल जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, हालांकि मुकेश मधुल जी मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन 100 में से 80% लोग आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, गर्भ में माँ ने लाल
के 9 महीने हैं धारा, 9 महीने हैं धारा। और ये माँ दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा, जीवन धारा। लेकिन लिखना पड़ा क्या आज के समय में? कर्ज सारे चुकाना आसान है। अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। देखिए आसान है मुश्किल है। ये बात इतनी मेहनत लग रही है आपके साउंड में, ऐसा लग रहा कलेजा निकल आएगा बाहर। ये कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। आजकल होता क्या है? क्या? चार बच्चों को खिलाना आसान है, चार बच्चों माँ बाप बर्तन मांझ कर चार बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन आजकल बच्चे क्या करते हैं? क्या? कि चार बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल। खिलाना मुश्किल है और ये सच्चाई है। जी गूगल में नहीं मिलेगा मिश्रा जी जवाब। दूसरी जगह देखें, माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं, कभी कभी बाप सपना देखता है मेरा लड़का जवान हो जाएगा, जब कभी मैं मरूंगा तो मेरी चिता में ये आग लगाएगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि बाप जिंदा रहता है और जवान बेटा मर जाता है। तो लिखना पड़ा क्या? मेरी चिता को अग्नि देगा, ये होती पिता की इच्छा, ये होती पिता की इच्छा। लेकिन जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, चक्र जो लेता रहा परीक्षा। तो लिखना पड़ा क्या? बोझ जीवन का उठाना आसान है, बाप के लिए बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। धन्यवाद है मुकेश मधुल जी, इतने सारे रास्ते आपके जवाब के लिए छोड़ रही हूँ। और क्या, अगर आप पहुँच जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आ जाएंगी। हम लोग रास्ता बताते रहते हैं। बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल। एक टुकड़ा और देखें, अब मैं बात कर रही हूँ हमारे भारत देश की, जो सीमा पर हमारे देश के प्रहरी जो जवान तैनात हैं, वीरों की ये बढ़ा दो भैया, 20 तारीख तक लगातार गाना है हम लोगों को, हम जा रहे हैं यहाँ से, हम बच के जाएं तो अच्छा है। ये
हेलो बढ़ा दीजिए भैया थोड़ा सा, और अगर कैसेट बना रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। मिश्रा जी कोई मंत्र जानते हो जरा फूको उसमें। अगर आप कैसेट बना रहे हैं तो ना बनाएं, क्योंकि ये YouTube चैनल चल रहा है, इस पर सब सुनाई देगा, बेकार है कैसेट बनाना आपका। इस माइक को खोलें, सारी आवाजें खींचे लिए जा रहा है। वीरों की ये जननी है धरती, तो देते शस्त्र गवाही, देते शस्त्र गवाही, क्योंकि वहां हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। अगर हमारे भारत देश में वीर नौजवान ना हो तो हम कोई तीज त्योहार कोई पर्व कुछ नहीं मना सकते। हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश के लिए ये कर देंगे, देश के लिए वो कर देंगे, लेकिन आसान क्या है और मुश्किल क्या है? क्या भोग छप्पन तो खाना आसान है, घर में बैठे बैठे भोग छप्पन तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। सबा बेटे सबा समझते रहिए, गोली सीने पे खाना मुश्किल है, और घर अपना बचाना आसान है, घर अपना बचाना आसान है, पर देश अपना बचाना एक पंक्ति हमारी माताएं बहने बैठी हैं, तो मैं चाह रही हूँ इनके लिए भी जोड़ू। बिल्कुल देखिए, पहले माता पिता, फिर मैं बात कर रही थी कि देश के वीर कैसे हैं, पिता क्या सोचता है। अब देश की बेटियों के लिए हम लोग जगह जगह दीवारों पर पढ़ते हैं, सरकार लिखाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी ना जाने कितने ऐसे घर हैं जहाँ सीटी बजती है। गदर काट दो दो साल दीवारों पर लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी ना जाने कितने ऐसे घर हैं जहाँ बेटियां पैदा होती हैं तो परिवार वालों के चेहरे लटक जाया करते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसा जाता बताया, ऐसा जाता बताया। लेकिन आज भी बाबूजी बिन दहेज के बहू जो आई तो जिंदा गया चला आया, आज मोटरसाइकिल दिए कल कार चाहिए, कल कार दिए 10 लाख नकद चाहिए, तो अगर ये कुछ नहीं दिए तो पेपर में खबर छप गई घर का सिलेंडर फटा बहू मर गई। कभी ये खबर नहीं छपती घर का सिलेंडर फटा कोई सास कोई ननद मर गई, मर गई तो बहू मर गई, क्योंकि बिन दहेज के बहू जो आई जिंदा गया चलाया। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या, घर में बहू को तो लाना आसान है, घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। बहू तो लाना आसान है, कार मोटर पैसे लगा कर ले आएंगे, लेकिन बहुओं को बेटी बनाकर रख पाना मुश्किल है। ये बात के घर में बहू को तो लाना आसान है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल है।
और सुधीर भैया आज के दौर में नारायण साईं बन जाना आसान है, नारायण साईं थोड़ा सा असर है, नारायण साईं बन जाना आसान है पर साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। और इतना ही नहीं मुकेश भैया, आसाराम बन जाना आसान है, आसाराम बन जाना आसान है पर रामदेव बन पाना मुश्किल है। समझ बेटे, अब आप सोचेंगे पुरुषों के पीछे पड़ी नारियों की बातें नहीं कर रही है, मिश्रा जी समझते रहिए। तो एक नारी भी मिली, राधे माँ, एक नारी ऐसी जो ऊंचक के आदमियों के कंधे में बैठ जाती है। देखिए, राधे माँ बन जाना आसान है, राधे माँ बन जाना आसान है पर लक्ष्मी बाई बन पाना मुश्किल है। एक और लाइन ले लीजिए, एक और लाइन। इमरान खान बन जाना आसान है, इमरान खान बन जाना आसान है लेकिन मोदी बन पाना पर हिंदुस्तान को मिटाना मुश्किल है। प्रदीप भैया, ऐसी भीड़ में नाच नौटंकी कराना आसान है, नाच नौटंकी कराना आसान है लेकिन कीर्तन कराना मुश्किल है। लेकिन कीर्तन कराना मुश्किल है, घर में बेटी बनाना मुश्किल है।